वो मुझे पीटते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन दहेज लोभियों ने दरवाजे के बीच उंगलियां रखकर मेरी उंगलियां तोड़ दी। दहेज के लिए मुझे घुटनों के बल चलवाया, मेरे 4 साल के बच्चे को बहरहमी से पीटा। ये आप बीती नीति जैन ने अपने भाई को बताई तो वे सीधे लॉर्डगंज थाने गए और अपनी बहन के ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। 4 दिन बाद भी दोषियों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। आरोप है कि दहेज के लिए पति, सास, ससुर और नंदों ने नीति के साथ बहरहमी से पिटाई। नीति अभी निजी अस्पताल में भर्ती है। फिजियोथेरेपिस्ट नीति जैन का 2017 में गड़ा फाटक निवासी सुपारी व्यवसायी विपुल जैन के साथ विवाह हुआ था। नीति जैन के भाई ने बताया कि अपनी हैसियत के अनुसार धूमधाम से शादी की। विवाह के कुछ ही माह बाद विपुल और उसकी माता पिता सहित बहनों ने नीति को मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसके बच्चे को भी नीति के सामने ही मारते थे। नीति की उंगलियां दरवाजे के बीच फंसा कर तोड़ दी, कई बार घुटनों के बल उसे चलवाया। ससुराल वाले इसलिए नीति को प्रताड़ित कर रहे थे क्योंकि इन्हें दहेज चाहिए था। नीति के भाई ने बताया कि सभी लोग मिलकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। 3 साल से तो हम लोगों को नीति से मिलने ही नहीं दिया गया। दीदी के ससुराल वालों ने उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की है। सुबह हम लोग जब उनके घर गए तब दीदी की हालत देखी तो बहुत खराब हालत थी उनकी। उसके बाद हम लोग सीधे पुलिस स्टेशन गए जहाँ पे हम लोग ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। जी हाँ, वो उनको इसी प्रकार की यातना देते थे। दरवाजों के बीच उन्होंने उंगलियां रख दी थी उनकी, घुटनों के बल उनसे चलवाया जाता था, माफी मंगवाई जाती थी। भारतीय नीति जैन द्वारा बताया गया कि उसकी सास, पति और नंद द्वारा उसे मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है। पति द्वारा विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं जिसके कारण उसने FIR थाना में आकर लिखवाई। नीति के भाई ने बताया कि 3 तारीख की देर रात मामा का फोन आया और उन्होंने बताया कि नीति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। 4 तारीख की सुबह हम नीति के घर गए तो देखा कि उसके पूरे शरीर में चोट के निशान थे, चेहरे पर भी दाग बने हुए थे। हालत गंभीर देखते हुए उसे तुरंत ही मेडिकल कॉलेज ले गए। हालत में सुधार नहीं हुआ तो फिर नीति को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। लॉर्डगंज थाना पुलिस का कहना है कि नीति के परिवार वालों ने विपुल जैन सहित अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जांच की जा रही है, जल्दी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मैं आयुष शिंदे और बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।